तो भाई जान सा ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग हो गया। फिर नुशेरमा आखिरकार दुआ से बात कर ही लेता है और दुआ उसे कहती है आपके घर आने का वेट कर रहे हो। वो कहता है कहाँ पे, कहता मुझे धोखा दी जा रही है। और घर वो आगे से दुआ से बात नहीं करता, कहता भाई मैं बिजी हूँ। वो दुआ को लगेगा तो कुछ तो गलत हुआ, मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा। और जब वो इसे दुआ से मतलब इससे पूछेगी ना नुशेरमा से, तब भाई ये नुशेरमा बता रहे गया इसलिए तुमने ये मुझे सच क्यों नहीं बताया। फिर वो उसे वजह बताएगी सारी। और दूसरी तरफ इधर भाई वो सरफराज अभी चले चली आ रहा, कह रहा है इसकी बहन को छोड़ता हूँ, दुआ के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो अमीर हो जाऊँगा, तो इसलिए भाई मैं चाहता हूँ, कहता हूँ कि ना दुआ से शादी कर लेता हूँ, मतलब दुआ को वापस फंसा लेता हूँ और उससे अभी इस पर शादी कर लूँगा, या फिर उसे फिर छोड़ के उसे वैसे से ले लूँ। छोड़ने का तो सोच रहा हूँ, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा ना इसलिए। और नुशेरमा लेकिन ऐसा होने नहीं देगा। नुशेरमा अभी उससे थोड़ा सा है बस मतलब गुस्सा है कि उसने बताया क्यों नहीं, लेकिन वो भी भाई कन्फ्यूजन नुशेरमा की दूर कर देगी। लेकिन फिलहाल भाई नुशेरमा ने उसे छोड़ दिया, मतलब एक तरह का ना उससे बात नहीं कर रहा ठीक से, और उस चीज़ का सरफराज फ़ायदा उठाई जा रहा है। और ये भी ना बस बंदा क्या ही पूछे यार, ड्रामा की स्टोरी अब 2-3 एपिसोड अब तो लगता भी 2 दिन है, 2 दिन में ये क्या ही चेंज कर लेंगे। मतलब अगले हफ्ते वाले एपिसोड मुझे नहीं लग रहा इतने अच्छे होने हैं, मतलब ऐसे दुखी भरे होने हैं उसके अगले का नहीं मुझे पता, उसके अगले मैं कहता हूँ अच्छी हो उम्मीद करता हूँ। तो बस दोस्तों ये जान सार गाने वाले एपिसोड का प्रोमोटिव रिव्यू आपको कैसा लगा अपनी राय मुझे जरूर कमेंट में दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।